जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत और सब गप शप। ये भगवद गीता के अंत में, हर अध्याय के अंत में आता है, ओम तत्सत इति। अध्याय के अंत में तो आता है और एक अध्याय के अंत में आता है ओम तत्सत इति निर्देशम। 16वें अध्याय के 17वें अध्याय में भी आता है। एंड दैट्स ऑल देयर इज, ओम तत् दैट सत अलोन इज रियल। इसलिए कहते हैं और सब गप शप, इधर उधर की बातें हैं सब, बाकी उससे नहीं होता। इधर उधर की बातों से टाइम पास होता है, टाइम पास नहीं करना है, टाइम को तो पकड़ना है। टाइम तो ऐसे ही पास होता है जो अपने आप पसार हो रहा है, संसरति इति संसार, जो वैसे ही फिसल के जा रहा है, ऐसे ही पास होता है। उसमें पास किया तो कौन सी बहादुरी हुई। जो काम अपने आप हो रहा है उसको कह दिया हमने कर दिया, ये क्या बड़ापन हुआ। टाइम पास का क्या मतलब है, हम पास हो रहे हैं, टाइम कहाँ पास हो रहा है, हम पास हो रहे हैं। पास मतलब पासिंग अवे, पासिंग आउट। उस ये सांस तो अपने आप चल रही है, उसमें मेरा क्या है बड़प्पन। अरे मैं सांस है, इतनी सांस ले लिया आज, एक्सरसाइज किया जैसे, इतनी आज मैंने इधर नहीं, मिनट में 12-13 ले लिया। सो वाट नहीं, सो हम, सो वाट की बिग डील है। सो हम वो सांस मैं हूँ जो ध्यान के समय कहा था और भगवान से निकली बड़ी प्रभावशाली, बड़ी सामर्थ्यशाली सांसें, जैसे वो दुहा में कहा, मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके पड़े अभाग। उतना सामर्थ्य उस सांसों में, उसको पास नहीं करना है। उस टाइम को जो पास करेगा वो जीवन में नापास हो जाएगा। तो उसकी तो कीमत रखनी है, मूल्य जानना है। तो 15वें अध्याय में, 11वें अध्याय में, 15वां अध्याय कल रविवार के दिन चल रहा है पुरुषोत्तम योग। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन, हम लोग 15वें श्लोक में मैं कहना चाहता था, आज प्रारंभ करते हैं। अब तक हो गया था प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषत, वो कांपने लग गया, रोमांचित हो गया, बाल खड़े हो गए, शेकिंग, ट्रेम्बलिंग, शॉक्ड, स्टन्ड, सरप्राइज अर्जुन के, वो ये क्या देख रहा हूँ, ओह माय गॉड, द एंटायर कॉस्मोस लिट अप, जैसे आसमान में पूरा अगर सब और वही वही एक ही दिखने लग जाए तो चक्कर आने लग जाए, समझ में ना पड़े। आगे कहता है वो कौन सी दिशा है, ये क्या है, मैं क्या पूर्व की ओर देख रहा हूँ कि पश्चिम की, कम्प्लीटली डिसओरिएंटेड, इनकोहेरेंट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, पता नहीं चल रहा कुछ। इसलिए वो एक ही सूझ, इतनी सूझबूझ रह गई, हाथ जोड़े, आंखों से सजल नेत्रों से धाराएं बहने लग गए, रोमांचित शरीर घुटने टेक कर, ओ माय गॉड, 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 हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, आगे आएगा इस अध्याय में। रोक नहीं पा रहा अपने आप को, अब क्या करूं, अब ये क्या है, कैसा है। न भूतो न भविष्यति, ऐसा वर्णन भगवान भी आगे कहते हैं कि अर्जुन ऐसा किसी ने नहीं देखा आज तक। इमेजिन द होल थिंग कनेक्टेड, ऐसा किसी का नहीं हुआ कि अपने सपने में सचमुच में जाके देख सके। अपने सपने में खुद को तो देखते हैं हम, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, लेकिन सचमुच में मैं सपने में गया, व्हाइल आई एम ऑल्सो अवेक, और सचमुच में सपने में मैंने देखा सब और मैं ही हूँ बना, ये अनुभव किया। दैट्स ओनली वन एनलाइटन, द मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। उसके बाद सिद्धार्थ का बुद्ध हो गए, बोध को प्राप्त हो गए। उसके बाद तो ऐसा भगवान के त्यौहार, ऐसा वास्तविक में प्रत्यक्ष बाहर के सृष्टि में ऐसा किसी ने नहीं देखा। ऐसे ही ये सब हो गया था पिछली बार भूमिका के लिए याद दिलाने, तो फिर अपने आराम से बैठ कर फिर
ये कुछ अपने को अकाउंटेबिलिटी लगा दी है, लोग लज्जा के लिए डायल करना पड़ता है, ठीक है, साथ संगत चली रहती है, काम आगे बढ़ता है। नहीं, ये सबसे अमूल्य है, ये तो अपने लिए करना है, ये दूसरों के लिए नहीं करना है, ये काम तो अपने लिए करना है। बाकी जितने भी काम हो रहे हैं सूक्ष्म दृष्टि से सोचो उसको, तो कितनी भी मिलकत हो रही है, कितना भी बड़ा मकान, गाड़ियाँ, डिग्रियाँ, जो कुछ भी किया आज तक, छाती ठोक के देना गारंटी, वो दूसरों के लिए हुआ। कि जितना खाने उतना ही खाएंगे, जितनी जगह पे सोना 4 फीट बाय 2 फीट उतना ही सोएंगे, बड़े पलंग पे भी तो, लेकिन सिराने इतना रख के, नहीं तो इतना शरीर रख के, कपड़ा एक ही पहनेंगे सूखा जो है वो, बाकी सब ये धंधे दूसरों के लिए है, और अपने लिए भी है तो भी वो शरीर के लिए, वो अपन नहीं है ना, वो शरीर के लिए मतलब दूसरे के लिए ही है। अपने लिए काम करने आए थे, शरीर मिल गया था एक अमूल्य, उतना जाना ही नहीं, आए किधर, इसलिए जाना नहीं। अभी आके हम बस मेले में मस्त चना चौर चबेला खा रहे, प्रदर्शनी में ऊपर नीचे जा रहे, फेरिस फिल्म में मजा है, और फिर टिकट ख़त्म हो गया तो भगा दिया ना। अपने लिए एक ही काम है ये। तो अर्जुन उवाच, 15वां श्लोक। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम मृषिंच सर्वान अनुरगांश देव्यान। ये देखकर पहले शब्द जो निकले अर्जुन के, 1 सेकंड, ये कान्हा जोर जोरों से चिल्ला रहा है, हमारा कान्हा इधर, कैसे कान्हा की लीला है, भक्त से कान्हा अपने आप को डांट लेता है। ये बाजू के कमरे में पता है इसको, गीता चला, जोर जोर से मस्ती चल रही है इसकी, कमाल है, कान्हा तो कान्हा ही है, क्या करे। उसको इसके पहले 5 मिनट पहले बता, अभी मेरा गीता योग शुरू हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, करके एनीवे लीला है हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ इसका भाषांतर। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अर्जुन उवाच, एक बार पहले अर्जुन शब्द की व्याख्या हुई है, अर्जुन नाम की, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए कहता है, रजोगुण जो होता है रजस, और ड्रेवन जो होता है ये करे वो करे वो करे, है ना, कई बार हुआ, मोर एंड डिफरेंट, मोर एंड डिफरेंट, मोर एंड डिफरेंट, ग्रोथ 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 जो है फिजिकल आउटर मैनिफेस्टेशन का, उसको रजस गुण से आता है, चांदी चमकना, शाइनी, चमक धमक, वो रजस होता है। ये अरज है, इसीलिए अर्जी कहते हैं आपके सामने, हम्बल ह्यूमिलिटी से आपके सामने अर्जी करते हैं ना, तो ये अर्जुन है, ये हम्बल है, ये चमक धमक वाला, इम्प्रेस करने वाला, इम्प्रेस होने वाला नहीं है। इसके लिए ये तो है तो क्षत्रिय, लेकिन सात्विक सत्व में स्थित है, दोनों का सामर्थ्य है इसमें, क्षत्रिय का और ब्राह्मण का। वो करते के अर्जुन और उवाच ने कहा, वाचा वाणी, वाग मतलब जिह्वा से वाक, सो अर्जुन ने कहा, पश्यामि, पश्य मतलब देखना संस्कृत में, अमी मतलब मैं, ना मराठी में कहते आमी, हिंदी में कहते हम, सॉरी ये सब उसी से है, अमी सब, पश्य अमी, पश्यामि देवांस, ये सारे देवों को मैं देख रहा हूँ, क्या कौन से देवों को, इतने सारे यज्ञ किए, ओम इदम इदम इंद्राय, इदम नमः स्वाहा, इदम अग्ने, इदम नमः स्वाहा, इदम वरुणा, ये वो सब फलाना ढकन, सबके सबके ये सारे तो इधर टंगे हुए दिख रहे, तो जिसमें है वही होगा मेन। पश्यामि देवांस तव देव देह, तव मतलब तेरे, अरे भगवान ये तो तेरे देह में, तो मैं इस बाकी सारे देवों को मैं देख रहा हूँ। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वान तथा सर्वान सभी देवों को,
वायुर्यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापतिश्च प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रपुरुष पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। वो बाद में कहता है अर्जुन इसी अध्याय में, अरे पापा, अरे बाबा, अरे तेरे में वायु बह रहा है, यम दिख रहा है, सभी सभी अग्नि दिख रहा है, जल भी रहा है, कुछ पानी अवरण में दिख रहा, पानी भी बरस रहा है, ये मारने वाला यमराज भी दिख रहा है और जन्म देने वाला प्रजापति भी दिख रहा है। वायोर यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापतिश्च प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रपुरुषः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। ऐसा मीठा अध्याय है ये। प्रजापति प्रपिता मतलब पिता का पिता का पिता का पिता का पिता, ओरिजिनल ग्रैंड ग्रेटेस्ट ग्रैंड फादर, द फर्स्ट एंसेस्टर ब्रह्मा भी दिख रहा है। तो इसलिए बार बार इसको भी नमन करो, उसको भी अपने हमारे सामने, अगर यहाँ पर विश्वामित्र अपना वो कोई भी अश्विनी देव हो, इंद्र आ गए, कोई भी आ गए इंद्र देव, तो फटाक से हम प्रणाम कर देंगे। तो देव शिल्पी अगर आ गए विश्वकर्मा तो प्रणाम कर दे, तो इतने सारे दिखने लगे तो सबको प्रणाम करते जाते। वो शादी में है ना, विवाह में होते, झुक के प्रणाम, इसको करो इसको करो इसको करो इसको करो, ये भी बूढ़े ये भी बड़े ये भी बड़े, कमर टूट जाती है। और ये 2 1.5 2 घंटा चलते रहता है यही। तो ऐसे इसको रहा कि इसको प्रणाम इसको प्रणाम, नमो नमस्ते सहस्त्र पुरुष, फिर तो सहस्त्र है बोलता है, सहस्त्र को तेरे में तो 1000 दिख रहा है। पुनश्च भूयोपि नमो नमः, तेरे को ही नमन कर देता हूँ। इसलिए वेदों में आता है आकाशात पतितम तोयम, ये इधर नहीं, वेदों में आता है, यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से पूरा गिरा हुआ हर बूंद जो टपकती है बारिश से, वो इवेंचुअली देर सवेर से अपना रास्ता ढूंढ के समुद्र तक पहुंच जाती है, नदी नालों में से बाहर से बहेगी नहीं तो नीचे जाके वाटर टेबल से कनेक्ट हो जाएगी ओशन से, ट्रेस किया तो बराबर। ऐसे ही आकाशात पतितम तोयम मतलब पानी, यथा जैसे गच्छती जाती है सागर के, ऐसे ही सर्वदेव नमस्कार, इसको नमस्कार उसको नमस्कार उसको नमस्कार। अभी जैसे इधर वाले मंदिरों में जाते थे एक लाइन में खड़ा देते, NCC वाले जैसे, तो जय हिंद वाले, ये भी खड़े भगवान, ये भी खड़े भगवान, ये भी खड़े भगवान, देव देवी देव देवी देव देवी, बीच में बच्चे भी उनके डाल दिए। वो एक बड़ी बड़ी सी प्रदक्षिणा मारे, सब कर प्रदक्षिणा हो गई, जिनमें मन लगे उसके सामने फटाक से नारियल फोड़ दो। बस इस समय एक ही है, अपने हृदय में जो भगवान है, बस इधर जो है सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। और इसको नमन बाहर से नहीं किया जाता, जो अंदर में उसको नमस्कार अंदर से करना पड़ेगा, अंदर जा कर के। तो ऐसे यहाँ पर उसको इतने देव सहस्त्र पुरुष होते हैं, हजारों है। तो यहाँ पर कह रहे पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा दे, आई सी ऑल ऑफ देम एंड मोर, तथा तथा का मतलब एंड मोर, एंड भूत विशेष संघान, ऑल द फॉर्मेशंस ऑल द क्रिएशंस एंड ऑल द स्पेशल वंस एंड स्पेशली एंडाउड वंस। वो कोई विशेष वाले जो भी है, संघ है, समूह के समूह दिख रहे, संघ लोग गुत्थे के गुत्थे दिख रहे, क्लस्टर्स ऑफ गॉड्स क्लस्टर्स ऑफ ल्यूमिनस बॉडीज अर्थात गैलेक्सीज, गैलेक्सी वो जो आकाशमंडल सूर्यमंडल होता है ऐसे होता है ना, उसमें कितने असंख्य तारे। ओ माय गॉड, आई सी दीज ल्यूमिनरी बॉडीज जस्ट हैंगिंग लाइक ए नेकलेस इन यू। तो मैं तो पूरा तेरे को देख भी नहीं पा रहा हूँ, और सब किधर जिधर भी देखो ऐसे। ब्रह्मांडम, अरे वो तो ब्रह्मा भी दिख रहा है, आज तक कहते थे ब्रह्मा ने बनाया ब्रह्मा ने बनाया। ईशम, ईश किसका नाम है, शिव शंभव, तो भगवान शंभ सदाशिव, ये भी व्याख्या हो चुकी है, क्योंकि वो मंगलकारी है इसलिए उसका नाम शिव है, मतलब कल्याणकारी, ऑलवेज 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 गुड, द प्योरेस्ट गुड, द ग्रेटेस्ट गुड, द बेस्ट गुड, द हाइएस्ट गुड। वो उसका ई है एंड द मोस्ट पावरफुल,
कंट्रोल और सुप्रीम, कितना कंट्रोल कर सकता है शिव, कितनी ताकत इसमें, कितना दम है। आँख खोले तो सब जल जाए, और क्या, आँख खोले तो सब जल जाए, सब पूरा का पूरा प्रलय हो जाए। इसके सामर्थ्य की कौन गणना करे, कौन कैसे उसके कैलकुलेशन करे, इतना इतने कितने कितने न्यूक्लियर बम होंगे, कितने आटम बम होंगे, कितना, अरे इसको खाली थोड़ा सा खोल दे तो सब प्रलय हो जाए, डिस्ट्रक्शन का ऐसा। लेकिन उतना का उतना मंगलकारी है वो शिव, उसका ईश जो नाम है, सो द बेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल, जैसे कहते ईश भी मैं, ब्रह्मा भी तेरे में बैठे दिख रहेगा, शिव जी आराम से मस्त ध्यानस्थ है तेरे में दिख रहेगा, ब्रह्मांड ईशम कमलासनस्तम, ओ कमल पे कौन, कमल में सोए हुए कमलनाथ, भागवत में 12वें स्कंद में गीता ने, श्रीमद् श्रीमद् भागवत जो 18,000 का पुराण है ना, उसमें 12वें स्कंद में, 11वें स्कंद में उद्धव गीता, उसे उस समय कहते मेरा ध्यान कैसे करना चाहिए, कृष्ण बता रहे आखिरी समय, कहते एकादशी करनी चाहिए ना, ये सब मनाने चाहिए, त्यौहार व्रत रखना चाहिए जब तक मन मन काबू में नहीं होता, और मेरा ध्यान भी करना चाहिए। भगवान कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से, तो ओम नमो नारायण, और मेरा ध्यान स्वगुण साकार स्वरूप में करना चाहिए, भगवान खुद कह रहे हैं। ये उद्धव जो थे परम ज्ञानी थे, मतलब उनके ज्ञान की भगवान ने कह दिया था, ये बात बताइए, इसको ऐसा समझना, लोगों कहते मेरे पास जितना ज्ञान है उतना का पूरा इसके पास ज्ञान है, उद्धव के लिए कहते एक के लिए ही कहा संपूर्ण जीवन में, ऐसा किसी के लिए नहीं कहा, व्यास के लिए भी नहीं कहा, व्यास मुनि के लिए, इतने ज्ञानी है करके उद्धव के लिए। बृहस्पति जो देवों के गुरु, खुद आके उसके गुरु बन गए थे उद्धव के, 5 साल की उम्र में सर्वज्ञानी होकर के ये भगवान की मूर्ति लेकर पूजा करते थे, कलेवा नहीं करते थे, भोजन नहीं करते थे, कहते थे माँ को नहीं नहीं मेरे ठाकुर की पूजा रही है करके, वो परम ब्रह्म ज्ञानी करके, वो आखिरी आखिरी घंटे तक उनके साथ थे, आखिरी क्षण तो नहीं थे लेकिन आखिरी घंटे थे, घंटे तक थे। उनके जो प्रश्नोत्तर है, जैसे भगवद गीता में जैसे अर्जुन और कृष्ण के, ऐसे उद्धव और कृष्ण की, उसको उद्धव गीता कहते हैं, भागवत में आती है, उसने एक प्रश्न के उत्तर में तेरे ध्यान कैसे करना चाहिए वो पूछते हैं। जैसे इधर भी अभी ये अध्याय के बाद ही जो 12वां अध्याय आएगा, अर्जुन पूछेगा अच्छा तेरे को फिर सगुण साकार रूप में मानूँ मैं या निर्गुण निराकार रूप में मानूँ, तो जैसे स्पष्ट उत्तर दिया वो लॉयर वकील जैसा उत्तर नहीं दिया भगवान ने, ऐसे उद्धव ने भी पूछा था, उद्धव को भी स्पष्ट कहा कि क्षमा करना, वो ये भागवत की बात चल पड़ी लेकिन अपनी तो मौज है, अपनी मस्ती है तो उसी को जुड़ के है, तर्क भी उसी का है, ज्ञान भी उसी का है, सब उसी के विषय में है, तो फिर क्या। और उद्धव भी भक्त भी थे, भाई भी थे, प्रेमी भी थे, अर्जुन भी भाई भी थे, भक्त भी थे, भी प्रेमी भी थे, तो फिर अपने बीच में कहाँ आ गए इधर इधर करने वाले। तो ध्यान तो कहते हैं मेरा प्रारंभ में सगुण साकार ही करना चाहिए, तभी ध्यान लगता है, तो कैसे करना चाहिए, तो कहते कमल का फूल का, इधर कहा कमलासनस्थम ब्रह्मांड ईशम कमलासनस्थम, आई एम शोइंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, कि कहते कमल में मैं खड़ा हूँ, कमल के बीच में जो पीला होता है उसके, वो उसको आग समझना चाहिए, जैसे सूर्य छतप है उसमें मैं खड़ा हूँ, फिर अपने चेहरे का चेहरे का वर्णन करते हैं भगवान खुद, आई हैव अ बिग स्माइल लोटस आई, ऐसे ध्यान कर करके मेरे चरणों से ध्यान शुरू करना चाहिए, धीरे 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 ऊपर चढ़ के मेरे चेहरे पर और फिर मेरी मुस्कान पर, और फिर धीरे धीरे जूम आउट करके, देन इवेंचुअली फॉरगेटिंग ऑल दैट एंड देन जस्ट द एफलजेंस, खाली तेज हो, लय जो है उसका, उसमें अंदर में उसमें ध्यानावस्थित होना चाहिए। लेकिन उसकी शुरुआत कही कि कमल से, यहाँ पर जो कमलासनस्थम नारायण का जो स्वरूप है, यहाँ पर ब्रह्मा ईश और कमलासनस्थम, ये तीनों को मैं तेरे में देख रहा हूँ, करा कि ये परमेश्वर है ना, ओरिजिनल ओरिजिनल गॉड है, ब्रह्मांड ईशम कमलासनस्थम ऋषि सर्वा, ऋषि मतलब सियर, जो देख रित को जिन्होंने देखा, रित को जिन्होंने समझा, रित को जिन्होंने ईश मंगलकारी समझा, सर्वोच्च माना,
रत, मतलब जिससे कहते हैं उपनिषद, रतम भरा प्रज्ञा सुना होगा, ये सूत्र सुना होगा, ये सत्य के ऊपर होता है। रत सत्य की तो बहुत बलिहारी करते हैं कि सत्य सत्य बोलना चाहिए और सच्चा बोलना चाहिए। माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, विद ट्रूथ, ओ ट्रूथ 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 ट्रूथ। हाँ ट्रूथ तो है, लेकिन उससे भी बड़ा है रत। जैसे ये भी उदाहरण पहले हो चुका है, सपने में कोई सच्चा बोले हमेशा सच्चा ही बोले, सच्चा ही बोले, सच्चा ही बोले सपने में, और एक कोई झूठा ही बोले, झूठा ही बोले, और कभी कोई सच बोले कभी कोई झूठा बोले, और तीनों के बारे में बोले ये अच्छा, ये बड़ा बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, क्यों ये हमेशा सच्चा बोलता है, खरा है एकदम, भाई एकदम बेकार है, क्यों खोटा बोलता है, और ये ठीक है ऐसे ये संसारी है, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये तीनों के तीनों सपने के बाहर तो कोई देख भी सच्चा नहीं है, सच बोलने वाला भी सच्चा नहीं है, सब सपना जब टूट गया तो वो कहाँ गया, वो था ही नहीं ऐसे। तो वास्तविक सत्य दूसरा कुछ है, जिसमें ये झूठा भी आ गया, सच्चा भी आ गया, मिक्स भी आ गया, और तीनों की कीमत भी एक है। ऐसा नहीं है कि गुंडा एकदम थर्ड क्लास है, संत एकदम फर्स्ट क्लास है, और अपन पामर लोग सेकंड क्लास है। ये वर्चुअल रियलिटी में है, रियल रियलिटी में वो एक ही है। ये अद्वैत सिद्धांत का बिल्कुल प्रमुख कोर ऑफ द कोर सिद्धांत है, जीव ब्रह्म ऐक्य। तो उसको, उस सत्य के लेयर को, हाईएस्ट रियलिटी को रित कहते हैं। तो उसको देखने वाले ऋषि, तो ऋषि मतलब सीयर्स, जो ऋषि मुनि जो कहते थे सबको, ऋषिश्च सर्वान, पाराशर भी देख रहा हो, व्यास को भी देख रहा हो, पाराशर के पिता शक्ति को भी देख रहा हो, शक्ति के पिता वशिष्ठ को भी देख रहा हो, और पाराशर का बेटा व्यास को देख रहा हो, व्यास का बेटा शुक को देख रहा हो, सबों को देख रहा हो, शुक के बेटे नहीं थे वो सन्यासी थे, तो और ही और कितने कितने अंगिरा भी देख रहा हो, ऐसा कैसे ऋषिश सर्वान अनुरागांश दिव्यान, वो अनुराग से में है, प्रेम से, और दिव्य स्वरूप, दिव्य देहधारी, डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग्स, स्पिरिचुअल फॉर्म में देख रहा हो, मतलब ऐसे लथड़े जा रहे हैं, ऐसे नहीं देख रहा शरीर से फेंके जा रहे हैं, सिर 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 एक दूसरे पर कूट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, हाथ टूट रहा है, नहीं, उनके द स्पिरिचुअल बींग, द स्पिरिचुअल स्पार्क्स ऑफ ऑल ऑफ दोज आई सी इन यू। अनेक बाहु, नंबर 16, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, न अंतम न मध्यम न पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, अनेक पेट, अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न तो अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को ही देख पाता हूँ। जैसे आसमान की ओर देखे हम अंतरिक्ष में, तो कौन कहे किधर से शुरू आए, इधर से शुरू आए, इधर से शुरू, कहाँ खत्म कहाँ होता है, यहाँ से दिख इतना ही दिखता है, क्योंकि वो झाड़ आ गया बीच में, पेड़ आ गया, वृक्ष आ गया, अथवा तो घर आ गया, नहीं तो मेरी नज़र इतनी जा सके, और मैं जितना ऊपर उठूँ तो और आसमान दिखे, और ऊपर उठूँ तो और आसमान दिखे। इट इज़ एक्सपैंड, एवर एक्सपैंडिंग। ये तो ये तो ऑर्डिनरी सांसारिक आसमान की बात है कि जिस इट्स एवर एक्सपैंडिंग, द हायर आई गो द ब्रॉडर आई सी, एंड द हाइएस्ट आई कैन एवर गो द ब्रॉडेस्ट आई विल एवर सी, एंड इट्स देयर इज नो एब्सोल्यूट हाई इन द फिजिकल रियल्म, बस इसके ऊपर और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते संसार में, विश्व में, यहाँ पर सन है ना, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो फिर उसके बाहर, उसके ऊपर कुछ तो है, तो द एब्सोल्यूट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस, बिल्कुल ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, बिकॉज दिस होल थिंग इज रिलेटिव, रिलेटिव में एब्सोल्यूट कैसे रह सकता है। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये तो एंडलेस लग रहा है, आई डोंट नो वेयर इट बिगेन, आई डोंट नो वेयर इट एंड्स, इसलिए मैं ये भी नहीं कह पाती ये मध्य है, ये भगवान इधर से शुरू हुआ, भगवान इधर ख़त्म हो रहा है, और ये वाला उसका बीच वाला, इसका पेट है अथवा सीना है या जो भी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, तो ये कंटिन्यूस दिख रहा है। इस अध्याय के प्रारंभ में मैंने बताया था कि दिस इज अबाउट द कॉस्मिक विजन, दिस अध्याय इज अबाउट द कनेक्टिविटी,
And every atom, every subatomic part, everything is connected ultimately. It's scientific, again, very scientific. And the connector is the vacuum, the connector is the space in it. मैं दो हाथ अलग रखे मैंने, ये कनेक्टेड कैसे है? ये तो बात अलग है कि हाँ ये मेरे से इधर से जा कर के पेट से सब कनेक्टेड ही है, लेकिन अगर मैं दो हाथों में दो कुछ अलग बातें, दिस एयरपॉड एंड दिस फोन आई एम होल्डिंग, क्यों इनके बीच में हवा है? इससे निकली हवा इसको लग रहा है, इसके बीच में जगह है, कनेक्टेड कैसे नहीं है? कनेक्टेड तो है ही ना, ये दिख रहा अलग है, ये दिख रहा अलग है, लेकिन कनेक्टेड है ना, ये बीच में का जो कनेक्शन जो है, इस बात को समझे तो 11वें अध्याय में आसानी होगी। ये दो के बाद बीच में जो कनेक्शन है इसको नहीं देख पा रहा हूँ मैं, ये दो वस्तुओं को देख पा रहा हूँ लेकिन के बीच में जो है इसको नहीं देख पा रहा, लेकिन अगर ये लाइट हो जाए तो, ये अगर इसके बीच वाली जो हवा है ये अगर दिखाई देने लग जाए तो फिर मैं बोलूँ अरे ये तो कनेक्टेड ही थे, इसको मैं जितना दूर ले जाओ फिर भी कनेक्टेड है, इसको नज़दीक लाओ फिर भी कनेक्टेड है, अभी मेरे को समझ रहा नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, ये बीच में जो हवा है ट्रांसपेरेंट लग रही, कुछ नहीं ऐसा लग रहा है, कुछ कैसे नहीं है? इसकी इधर मैं नाक को ले जाओ, इनके बीच में तो हवा ले सक पा रहा हूँ ना मैं, एकदम कॉमन सेंस वाला सिद्धांत है। ये दो रखा और अभी मैं सांस ले रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, अब ये दो के बीच में नाक लिया तो मर जाऊँगा क्यों? क्यों जीतू भाई, उधर मत जाना, उधर कुछ नहीं है, तुमको सांस की ज़रूरत है ना, इधर मर जाओगे, कैसे मर जाऊंगा, तो मैं इधर रख रहा हूँ तो जीवन भर ऐसे रखूँ तो भी नहीं मरूंगा, फिर ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि उसके बीच में कुछ है, क्या है? हवा है, वही है जो सब सब, और इधर भी है उधर भी है उधर भी है, तो ये कनेक्टेड है। आई के आई वॉज नॉट एबल टू सी इट, बट इफ इट दिस वर्ड टू लाइट अप देन आई विल सी दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कनेक्टेड। ऐसे हुआ, अभी जो मेरे चर्म चक्षु है, ये चमड़े की आँखें है, उससे कनेक्शन नहीं दिखाई देता, ये अंदर वाले जो दिव्य चक्षु है उसने दिखाई देता, इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने कहा था, दो सत्र पहले बात हुई थी, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चमे योगमेश्वरम, तेरे को ये कनेक्शन ऐसे नहीं दिखाई देगा, वेट वेट होल्ड ऑन, आई मीन टर्न ऑन द स्विच, वो फ्लिप ऑन कर दिया तो फिर एकदम दिखाई देने लग गया, इसलिए वो कह रहा, वो आई सी यू एवरीवेयर, इट्स ऑल कनेक्टेड। सो ये अपने ध्यान में अगर विचार किया, ये अगर समझ सके, ये अगर डेवलप किया, सांसों के साथ डेवलप जल्दी हो सकता है, अगर साधना करना चाहते हैं कोई, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम टूल दैट विल मेक इट ईजियर, टूल्स मेक इट ईजियर, स्क्रू ड्राइवर ना हो तो हाथ से कितना घुसाओगे उसको पक्का नहीं होगा, लेकिन उसको सीधा टाइट करना हो तो टूल की आवश्यकता है, गर्म पतीले को उठाना हो तो हाथ से छोड़ छोड़ जाएगा, गिर जाएगा, उससे वो क्या होती है सांसी मराठी में कहते, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, उससे पकड़ोगे तो उठाया जाएगा, ऐसे टूल्स की बलिहार, ये सी टूल मिला, ये बड़ा इतना खड़ा इधर बैठा है, ये शरीर भी टूल है, इससे ऐसी सांसें उससे ज़्यादा श्रेष्ठ टूल है, तो ध्यान में सांसों की ओर पहले ध्यान देना शुरू करें, उसकी आवाज़ सुने, सांस की आवाज़ सुने, भगवान की आवाज़ सुनाई देगी, अगर अपने सांस की आवाज़ सुनाई दी तो पता चले यार ये कौन है, इसकी तो मैं कभी आज तक ध्यान नहीं दिया था, ये किसकी आवाज़ है, ये क्या कह रही है, इतना ज़्यादा सामर्थ्यशाली है, और ऐसा भीतर से फिर प्रभाव भी होगा, प्रकाश भी दिखेगा, गंध भी आएगी, सुगंध, देवे रंग भी दिखाई देने लगेंगे, ऐसे रंग की शब्दों से नहीं बता सकते, इज दिस पर्पल, इज दिस गोल्डन, हाउ, व्हाट इज इट, आई कैन कॉल इट डार्क, आई कैन नॉट कॉल इट ब्राइट, आई कैन नॉट कॉल इट एनीथिंग बिकॉज देर इज नो नथिंग टू बी सीन लाइक हियर, वेयर इज दिस फ्रेगरेंस कमिंग फ्रॉम, मैं तो अभी इधर बैठा था अभी तक नहीं आ रही थी ये सुगंध, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, ऐसे ऐसे, तो अपने आप पर जब कृपा होगी, और बाकी कौन कृपा करेंगे, कौन से गुरुदेव और कौन सी गुरु माँ कृपा करेगी, सब मिल के करें, क्या करेंगे, भगवान थे, खुद पूरा भगवान गया था, करोगे आगे तो भी नहीं कोई कृपा कर पाया, ये अपने आप कि वो तो इधर बैठा है, तो इस फिर जो कनेक्शन दिखाई देने लगेगा फिर पता चलेगा मैं ही तो हूँ सुबह में, और फिर अंतिम डुबकी लगाते, अरे मैं भी कहाँ हूँ, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी उसी में हूँ, अर्थात कुछ नहीं है, वो ही वो है, भगवान ही भगवान है,
इसलिए मैंने 3 4 साल पहले जब ये प्रारंभ हुआ था तब कहा था ये ध्यान में रखना है, स्लोली वेयर वी आर गोइंग बाय द टाइम दिस सीरीज एंड्स आई विल लीव यू कन्विंस्ड व्हाट ऑफ माय एक्सपीरियंस व्हाट दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। सो धीरे 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 ये पत्रे पत्ते खुलनी लग शुरू हो गई होगी शायद इसके कैसे कनेक्टेड है ऐसे। सो ये बस इस श्लोक को समाप्त करते हैं और फिर वो वी विल पिक अप 17 नेक्स्ट टाइम। तो अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक नॉट वन मतलब मेनी, अनेक बाहु ये आर्म्स, यू गॉट सो मेनी न्यूमरस आर्म्स आई कैन नॉट काउंट देम। उदर मतलब पेट, उदर भरण नो है कहते लाइक उदर को भरते हैं, ओ सहोदर कहते हैं हिंदी में भी कहते हैं, सह उदर मतलब उदर में जो अपने पेट से जो एक पेट से जो दो निकले, सगा भाई सगी बहन जिसे कहते हैं, रियल ब्रदर रियल सिस्टर उसको सहोदर कहते हैं क्योंकि वो एक पेट से निकले। लंबोदर कहते हैं गणेश जी को, गणपति का नाम है लंबोदर, लंबोदर आए विघ्नेश्वर आए, लंबा मतलब बड़ा, उदर बड़ा पेट। भीम के लिए वृकोदर आया था पहले अध्याय में, ये वृकोदर ने शंख निकाला बाउंडर नाम का बड़ा सा बजाया तो वो तो एकदम दहाड़ रहे सब। वृकोदर मतलब जैसे एकदम इतना पॉट बेली, उदर फिर से वहाँ पे आता है पॉट बेली जैसे कि किसी वो जैसे ह्यूज महाकाय। तो सहोदर ऐसे अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्र मुख, वक्त्र लाइक माउथ द कंज्यूमर, नेत्र आँखें, न इत्र बड़ी समय हो गया नहीं अरुण भैया भगा देंगे इसलिए जल्दी जल्दी करता हूँ, नहीं तो न इत्र इति नेत्र बड़ा सुंदर शब्द है, नेत्र नेत्रों से दिखते कि इधर से इधर से उधर से इधर से, इत्र मतलब यहाँ पर, कुत्र मतलब कहाँ पर, संस्कृत शब्द है इत्र कुत्र। तो न इत्र ये आँख ये नेत्र है आँखें ये जिधर भी देख रहे हैं, न इत्र इधर नहीं है न इत्र, इसलिए बहुत ज़्यादा आँखों से नहीं फंसे इधर देखने देखने दृश्य 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 में, दृश्य को छोड़कर दृष्टा में बैठे। 13वां अध्याय तथा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, स्वप्न में नहीं स्वप्न देखने वाले में, देही देह को छोड़कर देही में जाए, शरीर न माने अपने आप को अपन अपने आप को माने, इसलिए नेत्र उदर वक्त्र नेत्र पश्यामि त्वाम, पश्य अमि फिर से देखता हूँ मैं किसको, त्वाम तेरे में, सर्वतो अनंत रूपम, सर्वतो ऑल ओवर ऑल अराउंड क्या रूप फॉर्म्स, अनंत वेरिएगेटेड फॉर्म्स ऑल काइंड्स ऑफ फॉर्म्स, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि ऐसा भी कोई हो सकता है, ये शेप हो भी सकता है, अभी शेप भी नहीं इमेजिन कर सकते, तो कलर नहीं इमेजिन कर सकते, शेप नहीं इमेज, साइज नहीं इमेजिन कर सकते, आज तक ऐसे इतना साइज नहीं देखा था। रेडवुड फॉरेस्ट अगर देखे सिकोया ग्रैंड सिकोया लगता है ये हाउ इज दिस पॉसिबल, लेकिन देख लिया तो पता है इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ऐसा इतने अलग अलग शेप्स अलग अलग साइजेस अलग अलग कलर अलग अलग फॉर्म्स, सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम, अंत नहीं मध्य नहीं न पुनस्तु आदिम, एंड देन वेन आई सी आई गेट कन्फ्यूज वेयर इज द बिगिनिंग वेयर इज द एंड वेयर इज द मिडल ऑफ इट। पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपम, ऑल दिस आई एम सीइंग, एकदम जब किसी बड़े से महल में आ गए अंधेर में और एक मास्टर स्विच को ऑन किया तो खटाक से सारे कमरे अगर के लाइट शुरू हो सकते हैं मेन मीटर का बंद रखा हो तो, ऐसे अचानक सारा का सारा खुल गया उसके सामने, जिधर देखे उधर दिखाई दे रहा है। पश्यामि विश्वेश्वर, विश्व का जो ईश्वर वह विश्वेश्वर, विश्व का कल्याण करने वाला ई, और विश्व का शास्ता श, विश्व ईश वर सबसे बड़ा, संपूर्ण विश्व का सबसे ज्यादा कल्याण करने वाला कर सकता जो, और संपूर्ण विश्व को अपने काबू में जो रखने का सामर्थ्य करता रखता हो शास्ता वो विश्वेश्वर, ऐसे ही ना कह दे अरे प्रभु तो तुम तो विश्वेश्वर हो दया कर दो ना, विश्वेश्वर जब कहे थे समझे विश्व इज एवरी थिंग दैट एग्जिस्ट, उसको ई कल्याण करने वाला कल्याण
और शासन करने वाला, रेगुलेटिंग, मॉडरेटिंग, कंट्रोलिंग, द मास्टर ऑफ मास्टर्स, वो विश्वेश और वर हाइएस्ट द ग्रेटेस्ट ऑफ दोज कंट्रोलर्स एंड द वेल विशर्स. विश्वेश्वर विश्व रूप एंड देन यू हैव बिकम एवरीथिंग रूप. आई नाउ सी दैट यू अलोन आर ऑल ऑफ इट, हैव बिकम ऑल दैट. विश्वेश्वर विश्व रूप. तो ऐसे मेरे छोटे से बाल कन्हैया लड्डू गोपाल, वो जो बन के बैठा मासूम सा काली कमली वाला अनाड़ी अनपढ़ कहता है, तो मैं तो पाठशाला में गया नहीं, मैं बांसुरी बजाना समझता हूँ खाली. वो जो माधवी भजन गाती है उसके उसमें जो होती है पूरा का पूरा ब्रह्म रूपम, और यह है तो इतना छोटा सा 8 साल का बच्चा हमारे सामने खड़ा है, लेकिन है सच्चिदानंद रूपम. ऐसे कृष्ण के लिए एक बार नाम कह के कह दे जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव.